वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हे गाइस, हियर आर सम मोर क्वेश्चंस एंड दिस इज पार्ट फोर। मेक श्योर आप वन बाय वन पार्ट देखिए सो दैट कुछ भी जो है मिस नहीं हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट का क्वेश्चन के साथ। बेसिक क्वेश्चन ऑन लाइफ साइंस। देर आर टू गैस पार्सल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। Parcel A is 1 mole of water vapor, while parcel B is 1 mole of dry air. Which of the following is true? दो गैस के पार्सल्स हैं जिनकी इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कंडीशन सेम दे रखी है। पार्सल A में जो है 1 mole of water vapor है एंड पार्सल B में जो है 1 mole of dry air है। आपको इन चारों स्टेटमेंट्स में से बताना है कि क्या ट्रू होगा। पार्सल A is heavier than parcel B, पार्सल बी इज हैवियर देन पार्सल ए, दोनों पार्सल इक्वली हैवी होंगे, या फिर विदाउट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड प्रेशर डेटा के बिना जो है रिलेटिव मास जो है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एंड आई गेस ये हर कोई कर सकता है। पोज करके करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ट्रू, बिकॉज अभी हमें क्या करना है, हमें दोनों का अलग अलग जो है मोल के फॉर्म में अलग अलग गैसेस का दे रखा है। एक में जो है वाटर वेपर, एक में जो है ड्राई एयर है। हमें पता है 1 मोल की अगर हम बात करें तो दैट डू कंटेन 6.023 × 10³ एटम्स। एंड अगर हम वेट को कंसीडर करें, दोनों का वेट निकालें, देन सिंपल सी बात है, नॉर्मल वेट आप निकाल सकते हैं, 2 + 16 = 18 आया एंड या 16 × 2 = 32 आया। तो ऑब्वियसली पार्सल बी जो है वो ज़्यादा हैवियर होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए, बिकॉज बाकी सारी कंडीशंस एकदम सेम है। तो ऑब्वियसली गैस के वेट पर ही निर्भर करेगा कि कौन सा पार्सल जो है विल बी ऑफ मोर वेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट बट नॉट हैविंग टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स। चार ऑप्शन हैं। देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आए, कुछ बच्चों को मैं बोल रही हूँ, सबको नहीं। बिकॉज क्या है कि देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा। अब कॉन्सोनेंट्स के बारे में नहीं पता तो यू विल नॉट बी एबल टू डू आंसर दिस क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट्स जब हम पढ़ते हैं तो वोवल सबको पता है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो चीज़ें रह जाती हैं दैट आर कॉन्सोनेंट्स। फाइन, तो तीन जो है तीन इंग्लिश लेटर वर्ड्स हैं, थ्री लेटर वर्ड है वो बनाना है जिसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड साथ में एक ये कंडीशन दी हुई है कि कॉन्सोनेंट एक हो, दैट इज़ फाइन, बट जो कॉन्सोनेंट आए वो दोनों एक साथ ना आए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो कितने जो है किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बने, यू हैव फोर ऑप्शंस, पोज कर लीजिएगा। सिंपल कॉम्बिनेशन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। आई गेस आपको अगर फॉर्मूला की नॉलेज होगी देन आप आराम से इसको कर लें। देखिए 26 अल्फाबेट्स आर देयर जिसमें से 5 वोवल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं प्रोबेबिलिटी कि क्या होगी, ठीक है, मतलब कि क्या अनुमान हम लगा सकते हैं जैसा इन्होंने कंडीशंस में दी हैं। पहली बात तो ये बोली है कि एक ही होना चाहिए, कॉन्सोनेंट एक है तो दो वोवल होंगे, एक कॉन्सोनेंट दो वोवल, एक कॉन्सोनेंट दो वोवल, एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट। दूसरी बात इन्होंने बोली है एक साथ नहीं, ठीक है, सो सी वी सी यही बनेगा। एक आप ऐसे भी ले सकते हैं, फैक्टोरियल करके देख सकते हैं सिंपली, ठीक है, एंड जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके हिसाब से जो है फैक्टोरियल लेना पड़ता है। अब कैलकुलेशन अगर मैं करती हूँ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, देखो मेरे पास 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, दो बार है 21 × 21 एंड 5 जो है वोवल्स हैं, तो इतने जो है मेरे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एंड अगेन मैं फर्स्ट कंडीशन को भी अगर कंसिडर करती हूँ, बिकॉज कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, उसने बोले एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड अगेन जो है दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए, ये दो बातें हैं तो बताओ कैसा जो है कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मैं फर्स्ट कंडीशन को लूँ तो ऑब्वियसली देखो दो वोवल हैं तो मैंने 5² कर दिया, तीन कॉम्बिनेशंस इसमें मेरे बन रहे हैं तीन, ठीक है, यहाँ तो एक ही बन रहा था तो मैंने एक ही लिया, आप कैसे भी कर लो एक ही बनेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वोवल दो बार रिपीट हो रहा है तीनों केस में, तो 5² एंड कॉन्सोनेंट वन बार हो रहा है तो 21 1575, दोनों का मिलाकर टोटल इज 3780 जो कि सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन था। ईजी है, ऐसे कोई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगेन वैल्यू चेंज होगी और कुछ नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बायस एन कॉपीज ऑफ अ बुक एट 20% डिस्काउंट, बी गेट्स द सेम बुक एट 30% डिस्काउंट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच बी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ बुक स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज ए।
देखिए आराम से हिंदी करके पढ़ना है आपको इस क्वेश्चन को, आराम से नॉर्मली स्लोली सॉल्व करना है। एक कोई पर्सन है ए, उसने एन नंबर ऑफ कॉपीज जो है खरीदी, ठीक है, बुक्स जो है खरीदी 20% डिस्काउंट पर, एंड बी को वही सेम बुक जो है मिल गई 30% डिस्काउंट पर। अब हमें पता लगाना है कि जो एन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ताकि जो बी है एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद सके स्पेंडिंग द सेम अमाउंट को खर्च करके जितना कि ए ने किया है। चार ऑप्शन हैं, 7, 8, 6, या फिर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ही नहीं हो सकती जब तक हमें एमपी नहीं दिया हुआ बुक का, यानी मार्क्ड प्राइस। पोज कीजिएगा, सिंपल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस, ये सब चीज़ें हमने अपने छोटी क्लासेस में की हैं, उसी पर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जैसे जैसे मुझे कंडीशंस दे रखी थी मैंने वैसे वैसे यहाँ पर कंडीशंस डाल दी है, ठीक है। अज्यूम करो प्राइस जो है बुक का वो एक्स है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को जो है 20% डिस्काउंट मिला, तो अगर हम 100 एज एन स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, एक्स मान लेते हैं मान लो, ठीक है, तो 80x/100 वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 20% लेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी को जो है 30% डिस्काउंट मिला, तो दैट विल बी 70x/100। उसने एक कॉपी एक्स्ट्रा भी खरीदी है, देखो मैंने सब कुछ लिख भी दिया है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ही होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीदी है ए से, देन इट विल बी इक्वल टू 70x/100। टोटल नंबर ऑफ बुक एक्स, ए ने कितनी खरीदी, एन ए, ठीक है, एंड बी ने कितनी खरीदी, एन ए प्लस वन, उसने एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीदी है ना, तो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे, एक का इतना है तो टोटल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरीके से इसका भी कर दो, एंड हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है बुक की, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को आपको इक्वल रखना पड़ेगा बिकॉज बुक्स तो वही है ना, तो दोनों को रखोगे इक्वल, देन यू विल सी कि जो अमाउंट आएगा या जो आंसर आएगा आपका, दैट विल बी 7, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है अगेन ये क्वेश्चन भी, आपको बस डायग्राम बनाते चलना है साथ में, एंड अगेन मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ ये चीज़ें कि अगर आप डायग्राम बना लो साथ में तो बहुत चीज़ें इजी हो जाती हैं। ए बर्ड फ्लाइज अलोंग द 3 साइड ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट स्पीड ऑफ 248 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली, द एवरेज स्पीड ऑफ बर्ड इज वॉट। ये चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, मेरे पास जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, एंड अगेन देखो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, तो आप देखिएगा सबसे बड़ा क्लू जो है यहाँ पर दे रखा है, हमेशा क्वेश्चंस में ही क्लूज होते हैं, हमें आर्ट आनी चाहिए उनको ढूंढने की। ऑल राइट, तो देखो मैं बिल्कुल वैसे वैसे बना दूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है, ए ए ए, लेकिन स्पीड जो है अलग दे रखी है, यहाँ से पक्षी यहाँ पर उड़ा तो 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ा, फिर यहाँ से यहाँ उड़ा तो 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तो 8 किलोमीटर पर आर। अब मुझे पता है फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस टाइम बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट होता है, हर जगह रिपीट होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो क्या है कि अगर मैं हर साइड के लिए फॉर्मूला अपनाऊँ तो बेशक डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज़ ए ए ए, लेकिन स्पीड जो है वो अलग है, दैट इज़ 248। सबको मैंने टोटल कर दिया बिकॉज मुझे टोटल पूरा फाइन करना है, एवरेज स्पीड फाइन करनी है, दैट विल बी 7/8। तो ये आ गया मेरा टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो मैंने रखी, टोटल डिस्टेंस इज 3a। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, जो टोटल मेरा डिस्टेंस निकला है यानी कि ये जो निकला है दैट इज 3a, एंड टोटल जो मेरी स्पीड निकली है दैट इज 7/8, उसको मैं रख दूंगी, ऊपर चला जाएगा ये 3a × 8/7, 24/7 किलोमीटर पर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे कभी ऐसे क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। हाँ जी, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, पहले से जो है करेक्टेड फॉर्म में, करेक्टेड इन द सेंस कि जो अब न्यू कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में है। अभी करंटली जो है 10th of July को ही एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, दैट इज स्ट्रेटेजी कोर्स फॉर CSIR NET JRF December 2019। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इट्स लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गाइडेंस इस एग्ज़ाम में चाहिए, आप जानते हैं, डेफिनेटली आप जानते हैं, प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लास ले रहे हैं, वीक क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, इनफैक्ट एक बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है 10th of July से, जिसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है कवर किया जा रहा है CSIR का। सो देखिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अराउंड रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 150 डेज आर रिमेनिंग, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छे से आप एग्जीक्यूट करें एंड प्लस में एनरोल हो जाएं।
ये मेरा रेफरल कोड है नेहा तनेजा, आप चाहें तो इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर टोटल फी। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सिंपली नेहा तनेजा वहाँ पर टाइप कीजिए एंड फॉलो के बटन पर क्लिक कीजिए। जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, 550 से ज़्यादा लेसन्स हैं, कोर्सेज हैं, वो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्लस कोर्स क्या है या सब्सक्रिप्शन क्या है, तो देखिए अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप प्लस कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। उसमें जो है सारे टॉप एजुकेटर्स एक कैटेगरी के, जैसे लाइक हमारी कैटेगरी CSIR, वो पढ़ाते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपनी कम्फर्टनेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। डाउट सेशंस प्रेजेंट हैं, रिविजन क्लासेज आर ऑल्सो देयर सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। रिकॉर्डिंग्स हर क्लास की आपको मिलेंगी जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको वहाँ हिंदी में पढ़ाऊँगी, बट अगेन द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। तो एक पूरी कोशिश है ताकि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लिया जा सके। ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मेरे कोर्सेज के बारे में। ये और भी कुछ कोर्सेज हैं जो कि मैं लाइव सेशंस में लेने वाली हूँ। स्ट्रेटजी कोर्स बिल्कुल रिफ्रेशर्स के लिए कि किस तरीके से जो है 6 मंथ तक आपको एग्जीक्यूट करना है, प्रोसीड करना है। एंड सिर्फ मैं अगेन इसमें CSIR को टारगेट नहीं करूँगी, इस तरीके से स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि सारे लाइफ साइंस के एग्जाम्स जो हैं आपके ख़त्म हो जाएँ, ठीक है, अच्छे से सक्सेसफुली अचीव हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सारे सेशंस के थ्रू आई विल कवर, बेशक वो बायोकेमिस्ट्री के हों, मोल बायो के हों, सेल बायो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हों, सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग के हों, जेनेटिक्स के हों, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स, फंडामेंटल प्रोसेसेस, एवरीथिंग। लाइव सेशंस में प्लस क्लासेस में ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं आगे एग्जीक्यूट करने वाली हैं। उसके बाद साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे MCQs के थ्रू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टारगेट करेंगे, सो दैट एक एग्जैक्ट फ्रेम हमें समझ में आता जाए कि हाँ जी हमने टॉपिक पढ़ा है, हमें अपनी नॉलेज अप्लाई कैसे करनी है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन, साथ साथ मैं आपको जब डिटेल कोर्सेज के बारे में भी बताती रहूँगी जैसे जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी या मुझे लगेगा, और कोर्सेज भी रेलेवेंट टू सेक्शन ए, एप्टीट्यूड का सेक्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं फॉर लाइफ साइंस एग्जाम, सारे कोर्सेज जो है मैं आगे के लिए रन करने वाली हूँ। ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने पूरी अपने माइंड में बना ली है। तो एक छोटा सा जो है झलक कह लीजिए थी कि जो कोर्सेज रन होने वाले हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, गैप ज़्यादा हो गया है, या फिर मैरिड हो, वर्किंग हो, एंड आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो, अपना प्रोफाइल रेज करो, कहीं पर आप वर्किंग हो, जॉब करो, जॉब करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, मतलब कैसे भी गाइडेंस, आई एम नॉट फोर्सिंग यू डेफिनेटली, एंड बट आपको पता है कि देर इज़ अ नीड, कि अगर आपने इतने साल अपने पढ़ाई को दिए हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर निकलना चाहिए। आपको सिर्फ एक मेल ड्रॉप करना है मेरी जीमेल आईडी पर, सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा CSIR नेट या जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको उससे इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल क्वेरीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, वो उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा सो दैट आप सही वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये जो मेरी सोच है कि इस तरीके से मैं आपकी तैयारी कराती हूँ, ऑल्टरनेटिवली सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर मतलब कवर होते चले जाएंगे, सिलेबस उसका कवर होता चला जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने CSIR और ICMR को एक साथ जो है कंपाइल कर दिया। अगर आपको सही लगती है ये अप्रोच या आपको लगता है कि हाँ जी इससे हमारा बहुत बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, मैं आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी महसूस करूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि यस मैम ये स्ट्रेटजी आपकी ठीक है, एंड अच्छा रहेगा कि अगर हम इसी स्ट्रेटजी के साथ मूव करें सो दैट हम काफ़ी सारी चीज़ों को टारगेट ईजिली कर सके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.